नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा के लिए अब तक अभेद रहे बंगाल के दुर्ग को पहली बार फतेह करने की कमान खुद भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। ममता के गढ़ को भेदने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे महीने आज बंगाल पहुंचे। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दो दिन के बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, जहां एक और खुद अमित शाह ने बंगाल की पूरी चुनावी कमान अपने हाथों में संभाल ली, तो बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपने भरोसेमंद सिपाह सालारों को तैनात किया है। अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने उन भरोसेमंद नेताओं को सौंपी है जो पहले भी उनकी कसौटी पर खरे उतर चुके हैं। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉन्वे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना कर लीजिए। दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए, आवाज बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बंगाल दौरे पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शाह के बंगाल दौरे ने बीजेपी के मिशन बंगाल को और भी मजबूती दे दी है। सुनिए तमाम प्रतिक्रियाएं। अमित शाह जी मतलब दो दिन के लिए वेस्ट बंगाल के दौरे पर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के एमएलए है, बहुत सारे लीडर है बीजेपी में आ रहे हैं, और लोगों के मन में अभी ये है कि भाई ममता बनर्जी को बदलना है। मतलब उनको तो 10 साल तक मौका मिला और वामपंथी लोगों को सत्ता से बाहर करके माननीय ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता लाई और उन्होंने 10 साल तक सत्ता चलाई। अच्छी बात है, वो एक बहुत बड़ी एक्टिव लीडी है और उन्होंने मतलब 10 साल तक मतलब सरकार तो चलाई है, लेकिन वहाँ गुंडागर्दी का राज आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, बहुत सारे जगह पर हमले भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अमित भाई अभी गए हैं तो बहुत सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के उनके उपस्थिति में बीजेपी में प्रवेश करेंगे और बीजेपी को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, बंगाल में ममता दीदी ने जो नारा दिया था वो नारा से वो हट गई है। जिस नारा देके वो सीपीएम पार्टी को वहाँ हटाया था, वो आज उसी में फंस गई है। वो सीपीएम पार्टी का कैडर और उनका जो गुंडागिरी दादागिरी
और कानून का शासन नहीं होना जो सीपीएम वाले करते थे, पार्टी का शासन, ममता दीदी उसमें फंस गई है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग जो ममता दीदी को एंटी सीपीएम का जो वोट दिया था। देखिए, बंगाल की पवित्र धरती को कलंकित करने का काम पिछले 10 साल में टीएमसी ने किया है, और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये तय है। और जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, जो अस्मिता थी, उसको पुनः उसी स्थान पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इस बार हमारे गृह मंत्री जी जो पश्चिम बंगाल गए हैं, ये उनकी ताबीत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं, और टीएमसी का समाप्त होना तय है। ये डूबता हुआ जहाज है। बहुत सारे नेता और बहुत सारे उनके जो है संगठन के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये शुरुआत है और ये लगातार चलेगी। अब स्थिति ऐसी आ रही है, 2021 तक ममता दीदी को बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उससे पहले ही ममता दीदी अल्पमत में आ जाए। और वायलेंस श्री जेपी नड्डा जी के कैनवॉय पे बंगला जो ये तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया था, और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, उसके बाद गवर्नर साहब ने भी बोला, कई बातें आई, और उसके बाद जो एमएचए ने अधिकारियों को बुलाया उसको रिफ्यूज किया। तो जिस तरह की स्थिति है वहाँ पे, आज अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आने वाले इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे कई लीडर्स ने कहा है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरा एक एक्सोडस, एक भगदड़ सी मच गई है तृणमूल कांग्रेस में। तो यह चीज़ें तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति लेके आ रही है, और वो जिस तरह का एक्शन वो कर रहे हैं, सुवेंदु अधिकारी जी का जो स्पीकर ने रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया, अगर आपने रिजाइन किया, आपको उस पार्टी से संबंध रखना नहीं है, तो उसके बाद स्पीकर कैसे मना कर सकते हैं। खैर, बंगाल चुनाव में बीजेपी नेताओं पर हमले और हत्या, नागरिकता कानून और ममता सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे अहम रहने वाले हैं। बंगाल में साल 2021 में विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी ने 200 सीटें जीतने पर लक्ष्य रखा है। बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को सत्ता से हटाकर पहली बार राज्य में सरकार बनाने के मिशन पर है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस मिशन में कितना सफल हो पाती है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब ममता का गढ़ भेदने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने डेरा जमा लिया है पश्चिम बंगाल में, और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हर हाल में ममता के गढ़ में सेंधमारी कर ली जाए। इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वसीम राजा जी, आपके पास ही आना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप अमित शाह के बंगाल दौरे को? काफी उत्साहित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या मंत्रीगण हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार ममता के गढ़ में आप सेंधमारी कर लेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा माहौल है, और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल दौरा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, इन दो महान, इतने बड़ी बड़ी हस्तियों की धरती को ममता सरकार ने जो कलंकित किया है पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया के सामने, इस बार जो है पश्चिम बंगाल की एक एक जनता, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग शुरू से ही राष्ट्रवाद के साथ रहे हैं और राष्ट्रवादी सोच के लोग रहे हैं, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता डालेगी और पश्चिम बंगाल में हम बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे।
योगेश सोनी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, स्वामी विवेकानंद और खुदीराम बोस का नाम लेकर, इन दोनों महापुरुषों का नाम लेकर क्या गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाली अस्मिता की राजनीति को हवा दे दी है? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, इसकी नींव पिछले वर्ष बहुत अच्छे से रखी गई थी और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 40 में से 18 सीटें जब बीजेपी ने जीती थी तो उसके बाद वो उम्मीद से बहुत परे था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। देखिए लेफ्ट वहां से खत्म है, कांग्रेस वहां चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करती है और बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है और पश्चिम बंगाल को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। शाम दाम दंड भेद के आधार पे वो किसी भी तर्क पे अपना वर्चस्व वहां कायम रखना चाहती है। यही ममता बनर्जी को चिंता रही है और बहुत स्वाभाविक बात है, जब कोई अपना किला भेदते हुए देखता है चाहे वो किसी का भी गढ़ हो तो निश्चित तौर पर उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। राजनीति के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पिछले वर्ष करीब 66 पार्षद, 63 निगम पार्षद और 3 विधायकों ने टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो वहीं से ममता बनर्जी को लग चुका था कि मेरा कोई किला अगर भेद सकता है तो वो मात्र बीजेपी है। और बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है इस समय ममता बनर्जी का किला भेदने में। तो इतने सारे जो नेता एक साथ शामिल हुए थे, ये भारतीय राजनीति का एक अनोखा रिकॉर्ड बना था। तो यही कहना चाहूंगा, अमित शाह का ये जो दौरा है बहुत कारगर सिद्ध होगा और वहां पर जहां कोई पार्टी ममता बनर्जी के सिवा, चूंकि एक जमाने में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का दबदबा होता था जिसको ममता बनर्जी ने भेदा था, आज वही स्थिति ममता बनर्जी के समक्ष बनती जा रही है और जो रणनीति है, जो राजनीति के तहत जिस खूबसूरत रणनीति का प्रयोग कर सकती है पार्टी, वो बीजेपी बखूबी वहां निभा रही है। ठीक है वसीम राजा जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई स्थिति पैदा होती है तो हम ममता दीदी का साथ देंगे क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है। देखिए बिल्कुल सही बात है, हम तो ये लगातार कहते आए हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार लोकतंत्र की हत्या होती आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे ममता जी का गुंडा राज है, ऐसा लगता है जैसे वो हिंदुस्तान का अंग है ही नहीं। जब भी क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपना झंडा किसी भी पार्टी का समर्थन करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार जैसे हमले हुए, लगातार जैसे हत्याएं हुई, इसका जवाब जो है पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को देगी। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की धरती ऐसी धरती है जिसने स्वतंत्रता संग्राम हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, उस जगह वहां से वहां की मिट्टी के सपूतों ने पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। और जैसे हम एक बात कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से होते हैं, उन्होंने तो उनकी वजह से आज जो धारा 370 कश्मीर में टूटी है या जो परमिट का राज खत्म हुआ, वो उनकी सोच थी, एक देश एक संविधान और एक निशान की बात करने वाले ऐसे महापुरुष की धरती है। उस जगह पे लगातार लोकतंत्र की हत्या होना, यह ममता की गुंडागर्दी का अंत आ गया है, ममता के पाप का घड़ा भर चुका है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। वहां पे लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, पश्चिम बंगाल ने पूरा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और हमारे बहुत बड़ी गिनती में, टीएमसी उस वक्त भी कहती थी कि भाजपा का कोई सांसद नहीं जीतेगा, अब हमारे लोग उस वक्त भी उन्होंने गुंडागर्दी की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें जवाब दिया और अभी विधानसभा चुनाव में ममता को पूर्ण रूप से वहां की जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के विकास और डेवलपमेंट की बात होगी। पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की लागू नहीं है। आज जो है पश्चिम बंगाल की गरीब जनता जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा, ये स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं ले पा रही है। बहुत सारी ऐसी सरकार की सेवाएं हैं जो वहां पे लागू नहीं होती, कानून को लागू नहीं करने देती, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता वंचित रह जाती है, वहां का गरीब पिछड़ा वर्ग इससे नदारद रह जाता है। लेकिन अगली बार ये विधानसभा चुनाव 2021 में जो होने जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी का साथ देगी, बीजेपी की सरकार बनाएगी और केंद्र की सारी सुविधाओं का लाभ लेगी। ठीक है योगेश सोनी जी, देखिए लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव काफी मायनों में अलग होते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य में अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। क्या लग रहा है कि जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर ही या बीजेपी वहां जाना चाहती है और जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड हो या फिर तमाम जो देशभक्ति की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, इन सबका इस्तेमाल इन चुनावों में किया जाएगा?
देखिए निश्चित तौर पे इस समय जो मुद्दा खासतौर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बन गया, अगर हम अगर पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज नोट करी हो, वहां पर जो खूनी रंजिश है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मरना जारी है, जिस तरीके से वहां पर अभी पीछे भी हमला हुआ और जो वहां पर माहौल इस समय बना हुआ है, ये योगेश जी रोक रही हूँ आपको, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी अभी थोड़ी देर के लिए, आपको रोक रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के, क्या कुछ मायने हैं राष्ट्रधर्म में, आज इसी पर बात हो रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश सोनी जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या लग रहा है जो बीजेपी है वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ने वाली है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। विधानसभा चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं वह वर्चस्व की लड़ाई है। वहां पर जिस तरीके से खूनी रंजिश है और जिस तरीके से वहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की झड़प प्रतिदिन वहां पर हम देखते हैं, और पीछे हाल ही में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता के नेता की मौत हुई, तो खैर बहरहाल वो चलता रहता है। मतलब वहां पर ऐसा कोई हफ्ता या 15 दिन नहीं बीतता कि वहां पर इस कि कोई हम अप्रिय घटना ना देखें, लेकिन खैर बहरहाल मसला यह है कि वहां पर किस मुद्दे पर चल रहा है। आपका प्रश्न बहुत बेहतर है। वहां पर जो है वो मेन एजेंडा हिंदुत्व का है और वहां पर उसको बंगला में अपनी स्थिति को कायम करने के लिए अपनी कहावतों से और अपनी मिसालों से ममता बनर्जी वहां पर बंगला में एकला चलो वाली स्थिति को कायम करने में पूरी ताकत वहां लगा रही है, उसको स्थापित उसको बनाए रखने के लिए पूरी ताकत वहां लगा रही है। तो मसला यही है कि दोनों पक्ष इस समय अपना पूरे जिसको बोलते हैं पूरी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अन्य चुनावों में भी हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ इस समय नोट कर रहे हैं कि बीजेपी और ममता इस चुनाव को बहुत अपनी नाक की बात पर नाक की बात की तर्ज पर चुनाव लड़ रही है। दोनों इस समय जो दल है वो कोई कोई कोर कसर नहीं छोड़ दे, कोई मौका नहीं छोड़ दे कि इस राज्य को इस मौके पर हम जाने दे, क्योंकि स्पष्ट है जैसा कि मैंने पिछले चक्र में भी कहा कि बीजेपी को 40 सीटों में लोकसभा की जो 18 सीटें मिली वो बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो यही कारण है कि उसके अंदर जो ऊर्जा बनी हुई है, जो इसके अंदर एक सकारात्मक एक सोच जो पैदा हो गई वहां के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने वो चाल भी दी, तो उसी तर्ज पे वहां चुनाव लड़े जा रहे हैं पल्लवी। बिल्कुल वसीम राजा जी, लगातार ममता बनर्जी माहौल बनाने में जुटी हुई है, भाजपा नेताओं को बाहरी बताकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगी? ममता जी जितनी बार बाहरी कहेंगी उतना उनका वोट बैंक और नीचे गिरता जाएगा। इस देश के अंदर बाहरी कौन है? ममता जी क्या समझती है, पश्चिम बंगाल क्या पाकिस्तान का अंग है? पश्चिम बंगाल भी इस भारत देश का अंग है और यह भारत का एक स्टेट है, और उसमें बाहरी कौन है? जो वहाँ के विधानसभा के हमारे जो उम्मीदवार लड़ेंगे क्या वो पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं है? यही तो लड़ाई है हमारी। ममता जी पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध काम कर रही है, लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है, और इसका जवाब हम इस चुनाव में पूरी जनता जो है पश्चिम बंगाल की तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि हर तरह से ममता जी ने लोकतंत्र की हत्या की। क्या आपने खुद आप लोगों ने भी देखा, डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को लगातार गृह मंत्रालय ने तलब किया लेकिन उसके बावजूद वहां नहीं जाना। क्या पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी है या चीफ सेक्रेटरी है क्या भारत के संघीय ढांचे में नहीं आते? क्या वो भारत के गृह मंत्रालय के निर्देश का पालन करना उनका उनका उसकी महत्व को नहीं समझते? क्या उनका अधिकार नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल पे एक डिक्टेटरशिप का कब्जा है और पूरे पश्चिम बंगाल को ममता जी बर्बाद करने पे तुली हुई है, लेकिन इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की जो जनता है पश्चिम बंगाल को बर्बाद होने इससे ज्यादा बर्बाद होने नहीं देगी। पश्चिम बंगाल विकास की मांग करेगा और विकास के मुद्दे पे विकास के लिए पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक जो है वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और सरकार बनाएगी, ये हम बिल्कुल कन्फर्म आपसे कहते हैं। ठीक है योगेश जी, नागरिकता का मुद्दा या सीएए एनआरसी का मुद्दा भी हावी होता हुआ नजर आएगा, बाकी काफी शोर हुआ था इन मुद्दों पर वैसे देखा जाए तो।
देखिए ये मुद्दा तो पूरे भारत के लिए एक तरफा और एक जैसा, मतलब सॉरी एक तरफा नहीं एक जैसा रहा, लेकिन मसला ये है कि पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी उसकी विडंबना को समझिए, उस धरती को क्या पहचान है। जब लेफ्ट को भेद कर ममता बनर्जी ने यहाँ अपना अपने अपने राज्य को स्थापित करा था, तो ममता बनर्जी इस कई गलतफहमी में रह गई कि इस राज्य को कोई नहीं भेद पाएगा। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल अपने राज्य के लिए कोई काम में कोई कोर कसर छोड़ती है या कोई बात है, लेकिन वह पनप रहा जो एक तरीके से आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल को वो भारत का हिस्सा मानने को राजी नहीं है। मतलब उन्होंने इस तरीके की वहां पर लोगों की मेंटेलिटी को बदलने का प्रयास करा कि हम अलग हैं, हम भारत के हिस्से से अलग ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जब कोई चीज आप तानाशाही में परिवर्तित कर देते हो और लोगों को आप ये महसूस कराते हो, देखिए हर जगह मुद्दों की भरमार है, चाहे कोई भी हो, कुछ बातें उसको छुपाई जाती है, कुछ राज्य उसको बताते हैं हर जगह, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश को अभी डेवलप होने में कई साल और लग सकते हैं और लगेंगे। तो ममता बनर्जी ने जो लोगों की वहां सोच पे राज करने का प्रयास करा, उनकी सोच को बांधने का प्रयास करा, वो बहुत अच्छा चला। दो बार वो मुख्यमंत्री बनी, बहुत अच्छा उनका जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया रहा, 211 सीट अकेले लेके आना ऐसे राज्य के अंदर बड़ी बात है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनकी एक मिथा टूटी कि वाकई बंगाली जो है वो दूसरी ओर भी जा सकता है, वो उन्होंने पिछले वर्ष देखा। और इस बात में कोई दोराय नहीं कि पिछले वर्ष से जो उनकी चिंता है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अकेले इतनी सीटें आना बीजेपी में, फिर एक बात कह रहा हूं कि इतनी सीटें आना वो बहुत चक्की हो गई, और इधर बीजेपी खुश हो गई क्योंकि स्वाभाविक बात है उनको नहीं पता था। तो कारण यही है कि जो लोगों की सोच पर उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज अपने उनको दिमाग को बांधना चाहा, वो उससे कहीं अलग चले गए। हिंदुत्व के मुद्दे की बात करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं कि बीजेपी का पहला जो मुद्दा होता है वो हिंदुत्व होता है, हिंदुत्व के आधार पर वो लड़ती है और हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने बड़ी विजय प्राप्त करी। पिछला एक लोकसभा चुनाव 2014 के बाद जो 19 में हुआ वो इस बात को कहीं ना कहीं उनकी प्रमाणिकता को देगी कि पहले मुद्दे पे वो जीत जाते हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है। और वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तमाम चीजें वहां लगातार चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं पश्चिम बंगाल गया, मैंने कवर करा, मैंने इस पर बहुत लिखा भी है, मेरे तमाम लेख इस पर आए दिन आते रहते हैं जब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है। लेकिन मसला यही है कि मैं कहता हूं कि कार्यकर्ता जो है वो किसी भी पार्टी के लिए अपनी जान ना दे, क्योंकि ऐसा ही उत्तर प्रदेश के परिवेश में देखा जाता था। सपा और बसपा के कार्यकर्ता के अंदर लवी इतनी कट्टरता होती थी इतनी कट्टरता होती थी कि वो एक दूसरे को मारने को दौड़ पड़ते थे। तो 25 साल बाद वो मिथक लोगों की टूटी। सपा बसपा का जो गठबंधन था, उस लोगों ने जब वो गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो जो उनके कट्टर कार्यकर्ता थे उनके दिलों के जो मतभेद थे वो दूर, उन्होंने कहा जब एक राजनीतिक फायदे के लिए हमारे शीर्ष नेता जो पार्टी के जो राज्य के हित की बात बाद में करते थे, जो एक तरीके से पहले एक दूसरे को गाली देके एक दूसरे की बुराई से शुरुआत करते थे, आज वो एक सीट पर बैठे हैं। तो बीजेपी ने तो वो भी करवा दिया कि दो कट्टर दुश्मनों को एक साथ बिठवा दिया। तो इसी बारे में आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा पश्चिम बंगाल के लोगों से कि किसी भी पार्टी के किसी भी दल के चक्कर में अपनी जान ना गंवाएं, और उनके वर्चस्व की लड़ाई में एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता की भेंट ना चढ़े। तो ये भी मेरी एक इल्तिजा है यहां से। दूसरी बात यह कि देखिए वर्चस्व की लड़ाई जब राजनीतिक लड़ाई जब वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है तो वो बहुत चीजों की बलि लेती है। सबसे पहले उसमें एक जमीनी इंसान जो नागरिक होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो वो होता है, सबसे पहले बलि उसी की ली जाती है। तो यही वहां सब कुछ हो रहा है। यहां पर केंद्र सरकार को भी बहुत विवेक से काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इसी तर्ज पे काम करे और उनकी वजह से लोगों की बलि जाए। ऐसा ही ममता बनर्जी को समझ नहीं, देखिए चुनाव है, लोकतंत्र है, आप यहां अपनी बात रखिए, आपको वहां चुनाव जीतना है, अपनी बात रखिए, अपने मुद्दों को बताइए, अपने मुद्दों को गिनवाइए। और उसी तरह हिंसा की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं का सिलसिला जारी रहा, ये वाकई में काफी गलत है, और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को विचार करना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि ममता के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से शुरू कर दी गई है, और अमित शाह के ये दो दिवसीय दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन बंगाल में कितने कामयाब हो पाती है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।